Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hi, this is Paras Kalnavath. Hi, I'm Paras Arora. And you're watching us on Telly Chucker. And we are going to take a mimic challenge today. Because it's been on the set before. But when it comes on the set, what are you doing, sir? Sir, roll kar lo na, sir. What are you doing? Sir, I'm hungry. Sir, I'm going to eat this and that. Good. What are you doing? मेरे साथ आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, वरना मैं फिर यही टाइम पे आऊँगा जो टाइम पे मैं आ रहा हूँ, और मैं आपको डेट्स नहीं दे पाऊँगा। एक बार मेरी बात हो गई तो बात हो गई। ओके, द टू पर्सन दैट यू गोना मिमिक टुडे इज आवर वेरी ओन लीड एक्टर्स करण एंड योगिता। सो यू कैन वी गिव यू दैट ऑप्शन, ईच वन ऑफ यू कैन चूज कौन करण बनना चाहता है, कौन योगिता। आई सेड फर्स्ट योगी। Okay, so Paras Kalnavath is Karan Kundra and Paras Arora is Yogita. Yeah. So the first emotion is, what happens when Karan and Yogita are angry? How do they behave? 99% वो ऐसी रहती है। हाँ, 99% वो angry है। Set पे आएगी, क्योंकि सब set पे आ चुकी है पहले से। लेकिन वो जब सेट पे आएगी तो, अरे यार क्या कर रहे हो सर, अरे सर रोल कर लो ना सर, क्या कर रहे हो, अरे सर मेरे को भूख लगी है, अरे सर मेरे को ये खाना है वो खाना है, अच्छा क्या कर रहे हो, सीन समझाएंगे, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, आपको आदत नहीं है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और सर आप मेरे को इरिटेट मत करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इरिटेट मत करो, तू क्या कर रहा है, हाँ तू बोल नहीं सकता, हाँ अरे सर सब कुछ हिला दी, मैं जा रही हूँ सेट पे, मैं जा रही हूँ, मेरे को इतने बजे जाना है, मेरा स्किन का प्रॉब्लम है, मेरा ये हुआ है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सब कुछ हिला देती है जब सेट पे आती है। तो करण भाई के लिए आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए आवाज उठाना बड़ी चीज है, ही इज नॉर्मल, जब उठाते हो करके दिखा। डोंट एवर डू दैट, आई एम टेलिंग यू गाइस, डोंट एवर डू दैट। मेरे साथ आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ, वरना मैं फिर यही टाइम पे आऊंगा जो टाइम पे मैं आ रहा हूँ, और मैं आपको डेट्स नहीं दे पाऊंगा, एक बार मेरी बात हो गई तो बात हो गई। सो उनको आवाज उठाने की जरूरत नहीं, वो गुस्सा अपना जो निकालते हैं बहुत प्यार से निकालते हैं, इज अ वेरी काम पर्सन, प्यार से मतलब बहुत ज्यादा सार्कास्म भरा हुआ होता है। मैंने कभी उनको ऐसे चिल्लाते हुए या गुस्सा करते हुए कभी देखा ही नहीं है, ही इज अ वेरी काम पर्सन, बट उनकी आवाज बिना उठाए वो बस आंखें दिखा दे और इंसान को बोल दे कि लिसन बस हो गया, ओके आई एम गोइंग, दैट्स इट, कोई जरूरत नहीं। आई थिंक वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो सार्कास्टिकली ना बंदे की डैश डैश दे देते हैं अच्छे से, राइट। ओके, मिमिक देम व्हेन दे आर सैड। सैड मतलब हाँ, वो ऐसी चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे समझ नहीं आता कि कब गुस्सा है कब सैड है, तो एंग्री भी वैसी रहती है और सैड भी रहती है, तो भी तब भी सब कुछ हिला के ही रखती है कि यार मेरे को जाना है, मेरे को ये वो है, आज मेरे को ये है, कल मेरी मीटिंग है, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगते, हाँ तो वैसा वाला ये। करण योगिता हैप्पी, पंजाबी वर्ड्स तो नेक्स्ट लेवल निकलते हैं, व्हेन दे आर हैप्पी, व्हेन करण भाई इज वेरी हैप्पी, सो खते अरे क्या बात कर रहा है, अरे चल चल, जो प्यार से गालियां आती है ना, हाँ प्यार से जो गालियां भी आती बड़ी प्यारी लगती है, सो करण भाई के जो प्यार वाली भी चीजें है ना, उनको मतलब वो बहुत जब खुश रहते तो उनके मुंह से पंजाबी बहुत निकलती है, तभी वैसी रहती है। योगिता, यू चोज योगिता, नाउ डील विद इट, मतलब उसके तो मुझे मतलब वो सिर्फ लाउड करना इजी था इसलिए मैंने चूज कर लिया था, तो उसका गुस्सा ही करना इजी, खुश रही तो भी वो हाँ, या तो ओवर ही हंस देती है, आई थिंक वो 99% गुस्सा ही रहेगी, गुस्सा रहेगी, या तो हंसेगी तो सिर्फ हंसती रहेगी, अब वो हंसने की वजह से भी आपको 10 मिनट रुकना पड़ता है कि ये इसका हंसना खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, शूटिंग होगी, तो वो मतलब जो कुछ करती है ना वो एक लेवल ऊपर, हाँ हंस के देखा क्या कर रहे हो, सब हिला देती है। ओके, लास्ट वाला, करण योगिता ना पार्टी मूड। योगिता का तो वो ऐसी है, पार्टी मूड में जब रहती है योगिता तो आई वुड से दैट कि वो नेक्स्ट लेवल रहती है, वो उसको कंट्रोल करने लायक हम लोग, लाइक आई रिमेम्बर मी एंड करण भाई कंट्रोलिंग हर व्हेन शी वाज लाइक चेयर्स पे चढ़ चढ़ के डांस कर रही थी, हां वाज नॉट देयर, बट मुझे बाद में व्यूज मिली कि सब हो गया था तो कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के डांस हो रहा था, गया है हालांकि वो पंजाबी शादी थी तो सब मैनेज हो गया क्योंकि उनको लगा कि पंजाबी लोग ऐसे ही होते हैं, वो तो है भी वेरी ऑनेस्ट मिमिकिंग, वो तो है भी नहीं, लेकिन मारवाड़ी होके उसने पंजाबी वाली हरकतें की, हरकतें की, ये बोल बोल के की कि मेरे घर पे ऐसा नहीं होता तो मैं पंजाबी शादी में है तो मैं करूंगी, so and like mimicking Karan bhai when he is in a party mood, that's very difficult because Karan bhai, I've always seen him like very normal, very calm and you know in a serious zone, maine kabhi unko aisa dekha nahi ki over the top enjoy kar rahe hai something like that, he's a very chilled out person, so aapne dekh liya humne kitni achhi mimicry ki hai, maine yogi ki
और मैंने कोशिश की करण भाई की, इसने कोशिश की लेकिन मैंने जो योगी की है ना बॉस, लेकिन मैंने जो नॉर्मल बात बताई करण भाई, नहीं मैंने जो मैंने एक इमोशन में तीन इमोशन दिखाए हैं ना, और मैंने तीन इमोशन में जो एक इमोशन दिखाया वो ये नहीं कर पाएगा, नहीं वही, मैं तो वही सेम ऐसे ही देखना, आप लोगों को भी पता है, आप सेट पे आके देख लो योगी ऐसी है, सब हिला देती है, आप लोग ये सब छोड़ो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने कैसा, किसने बेटर किया। तो गाइस टिल देन साइनिंग ऑफ, नाम तो सेम ही है तो आगे पूरा नाम लिखना, आदमी लिखिए पारस, तो ये पारस अरोड़ा, पारस कलाम, तो अरोड़ा कलाम चल जाएगा।